हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, पिछले 12 अक्टूबर को मुंबई में एनसीपी के बड़े नेता और कारोबारी बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसका आरोप कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर लगा है और बिश्नोई गैंग ने कथित तौर पर इसकी जिम्मेदारी भी ली है। इसकी वजह की बात करें तो सलमान खान और बाबा सिद्दीकी की दोस्ती बताई जा रही है। आप सबको पता है कि पिछले कई सालों से बिश्नोई गैंग के निशाने पर सलमान खान हैं, उनके घर पर फायरिंग भी की जा चुकी है। लेकिन अब एक और खुलासा हुआ है। खुलासा यह हुआ है कि स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी भी बिश्नोई गैंग के निशाने पर हैं। कथित तौर पर उनकी हत्या की कोशिश भी की जा चुकी है, हालांकि उसमें नाकामी मिली थी। और इसकी वजह से मुनव्वर फारूकी की जो सुरक्षा है वो बढ़ा भी दी गई है। जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक और सूत्रों के मुताबिक ये खबर, ये सूचना आई है सामने कि बिश्नोई गैंग के कुछ सदस्यों ने पिछले महीने दिल्ली में उनकी हत्या का कथित प्रयास किया था, उनका पीछा किया गया था, यानी मुनव्वर फारूकी का पीछा किया गया। बताया जा रहा है कि वो गैंग के हिटलिस्ट में है और दिल्ली के एक होटल में गैंग के सदस्यों ने अपने लिए कमरा बुक कर लिया था। सितंबर महीने में एक कार्यक्रम के लिए फारूकी को भी वहीं ठहराया गया था। खुफिया एजेंसियों ने समय पर कार्रवाई की और इस हमले को नाकाम कर दिया। सूत्रों के अनुसार मुनव्वर फारूकी को पुलिस की सुरक्षा में वापस सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। और जो इसकी वजह, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप है मुनव्वर फारूकी पर, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं बिश्नोई गैंग नाराज़ है मुनव्वर फारूकी से, और इसीलिए हिट लिस्ट में है मुनव्वर फारूकी। सूत्रों और खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के मुताबिक कुछ सूत्रों को सितंबर में दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान हमला करने का काम सौंपा गया था। मुनव्वर फारूकी पर हमला करने का काम सौंपा गया था। शूटर मुंबई से फारूकी के साथ एक ही फ्लाइट में यात्रा कर रहे थे। खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को इस बारे में सतर्क कर दिया और इस तरह उनकी योजना जो थी हमला करने की मुनव्वर फारूकी पर, वो नाकाम हो गई। अब इस तरह की जो सूचना है या इनपुट आने के बाद फिलहाल मुनव्वर फारूकी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और मुंबई पुलिस ने मुनव्वर फारूकी की सुरक्षा में बढ़ोतरी की है। और बाबा सिद्दीकी के मामले में अगर हम देखें तो अभी भी ये फाइनल नहीं हुआ, या पुलिस की तरफ से अभी भी ये कंफर्म नहीं किया गया है कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही काम है। हालांकि इस तरह के दावे किए जा रहे हैं लगातार। अब देखना होगा कि पुलिस की जांच में क्या निकल कर सामने आता है।